मैच अच्छा है, दो बजे मैच देख ली, पहले सो जाओ आराम कर लेना, तो देखना है पे आराम सोइए, फिर 2 बजे आराम मैच देखे। अब तो इंडिया जीते वर्ल्ड कप। तो दर्शकों की भीड़ देखकर आप लोग समझ गए होंगे कि आज का वर्ल्ड कप कितना ही बेहतरीन होने वाला है। दर्शकों की भीड़ बहुत ज्यादा लगी हुई है, विराट कोहली और सुरेश शर्मा को लेकर आ चुके हैं और सारा भाभी भी स्टेज पर आने वाली है। तो गिल आज तो लगता है बहुत ही छक्का छक्का मारेंगे। तो मैच को चालू करने से पहले हम आपको एक खबर दे दें कि आज की ट्रॉफी लगता है इंडिया ही लेकर जाएगी, क्योंकि कंगारू अमेरिका और पाकिस्तान तो हार चुके हैं, अब ऑस्ट्रेलिया की बारी है। ऐसी लात मारेंगे इंडिया वाले, ऑस्ट्रेलिया भी जाकर ऑस्ट्रेलिया में घुस जाएगी। तो आइए फिर मैच को चालू करते हैं। तो आइए फिर दोनों टीम के बीच मुकाबला चालू होने वाला है, तो आइए फिर टॉस करते हैं। टॉस करने से पहले हम आपको बता दें कि एक तरफ इंडिया का रोहित शर्मा और दूसरी तरफ मुट्ठी मार सॉरी मिचेल मार्श जो कि ऑस्ट्रेलिया का है। तो आइए फिर टॉस करते हैं। रोहित शर्मा सिक्का दीजिए, टॉस करें। यार गरीब हो गए रोहित शर्मा। हाँ मुट्ठी मिचेल मार्श आप पैसा दीजिए, टॉस टॉस करते हैं। ये पैसा ना खुद ही गरीब है मिचेल मार्श। यार अब हमको ही कुछ करना पड़ेगा। अच्छा लाइए ही करते हैं। बताइए थुक्का की पट्टा थुक्का ओ पट्टा आ गया रो बैटिंग अभी बैटिंग आई है। तो आप लोग देख सकते हैं कि मिचेल मार्श की बैटिंग आ चुकी है जो कि ऑस्ट्रेलिया से है, तो पहले ये बैटिंग करेंगे, उसके बाद रोहित शर्मा की पारी खेलेगी। तो आइए फिर मैच को चालू करते हैं। मेरा नाम है मोहम्मद शमी और मैं मुंह तक कर दूंगा पूरी पिच में नमी। आज कंगारू को ऑस्ट्रेलिया का एक एक विकेट उखड़ेगा और हर विकेट में मुझको अपनी वाइब दिखाई देती है। अब तो मैं ऑस्ट्रेलिया को फाड़ दूंगा फाड़ दूंगा फाड़ दूंगा फाड़। और ये क्या बहुत ही शानदार शॉट मारा है ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर ने। और ये क्या इंडिया ने एक विकेट लिया है शानदार मोहम्मद शमी की और एक और विकेट। तो आइए फिर देखते हैं क्या होता है, लगता है या तो फाड़ के ही मांगेंगे मानेंगे ऑस्ट्रेलिया की। तो ये एंट्री ले रहे हैं डेविड गार्नर, मेरा मतलब बार्नर, तो देखते हैं ये क्या बार उठाते हैं। तो आइए फिर चलते हैं देखते हैं मैच की ओर। ये क्या डेविड बार्नर नहीं उखाड़ पा रहे हैं किसी के बाल, लगता है इनकी फट चुकी है। और ये ओवर मोहम्मद शमी बहुत ही शानदार निकालते हुए एक विकेट लेते हुए। तो अब देखते हैं दूसरा ओवर कितना लगता है, बुमराह आ रहा है गुमराह करने के लिए। तो आइए फिर दूसरे ओवर की ओर बढ़ते हैं। बुमराह आ चुके हैं, देखते हैं बुमराह किसे कैसे गुमराह करते हैं। बहुत ही शानदार फास्ट बॉलिंग करते हुए बुमराह, और ये बहुत ही शानदार शॉट 6 रन के लिए, और ये गेंद 6 रन के लिए शानदार। और ये एक और शानदार शॉट, ओवर की समाप्ति होते हुए। मेरी बहू आ जी ज्यादा दिक्कत नहीं है, तो कहो पता मेरी बहू वापस आई है दूसरों पे आई है, तो हमें फेंक लें समझा दे। अरे बाकी बहू ना ही है, हम क्या कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं। और ये क्या कुछ प्लान बनते हुए रोहित शर्मा और जडेजा और मोहम्मद शमी की तरफ से कुछ प्लान बना हुआ है। अब देखते हैं विकेट रुक पाते हैं कि नहीं, ऑस्ट्रेलिया की कर पाते हैं कि नहीं। अब चलिए फिर देखते हैं।
और ये बहुत ही शानदार चौका। ले बात भैया मेरा ऑयल चौका भसड़ी हमने कहीं तमें फेंक लेन दे। ए मामा समी मंगाए चौका तुमने बस हमने कहीं चढ़े जा फेंक लेन दे हो तुम्हारी खजूरी जाती। अब अच्छा दो बार दिए सब आउट कर दिए तेरी अब तो बेइज्जती हो रही है हमने टैग गेंद देवे जो आउट कर दिए अब ये सब तो मेरो ब्याह हो गया था ये और ये बाल पे हाथ फिराते हुए लगता है मोहम्मद शमी अपनी वाइफ को मैसेज देना चाहते हैं कि ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखे। और ये एक और शानदार विकेट। टीम इंडिया बहुत ही शानदार बॉलिंग कराते हुए ऑस्ट्रेलिया के 9 खिलाड़ियों को आउट कर चुकी है। अभी 10वां खिलाड़ी रह चुका है, पूरी टीम ऑल आउट हो जाएगी। तो देखते हैं अब की बार कौन ओवर फेंकने आता है। लगता है जडेजा आ चुके हैं, जड़ ढाल देंगे। तो आइए फिर देखते हैं मैच में क्या होने वाला है। अब जडेजा बहुत ही अच्छी बॉलिंग करते हैं, बहुत ही पुराने खिलाड़ी हैं, देखते हैं क्या करते हैं ये। और जडेजा की बॉल पर बहुत ही शानदार शॉट मारा ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज ने। और ये टीम इंडिया ने बहुत ही बड़ा इतिहास रच दिया है, 10 प्लेयरों को आउट कर दिया है। अब ये टीम इंडिया ये भगवान क्या जुलूम, 8 घंटा का रेस्ट लेते हुए लंच करने जा रही है। उसके बाद देखते हैं टीम इंडिया क्या क्या उखाड़ती है और क्या क्या गाड़ती है। तो देखते हैं क्या होता है आगे। लोग देख सकते हैं कि विराट कोहली के ग्राउंड में आते ही जनता में भगदड़ मच गया है। लगता है आज उसका भाभी भी आएंगे। विराट कोहली हां उसका भाभी वो मेरे को बैठेंगे सामने। ओ माय गॉड, तो लगता है उसको भाभी आ चुकी है। तो लगता है विराट कोहली बहुत ज्यादा से पेलने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया को। तो विराट कोहली भाई कुछ क्या करोगे, छक्का छक्का मारोगे क्या? अरे आज छक्के विकेट चिंदिया ले जाएंगे, विकेट चिंदिया ले जाएंगे बोल रहे हैं। आज छक्कों की बरसात होगी तो सारे भाभी भी लगता है आई हुई है। हाँ तो गिल भी आज मारेंगे छक्के पे छक्का और जो कर देंगे स्टेडियम को बहुत ही पक्का। तो आइए फिर मैच को देखते हैं। जय हिंद। तो ऑस्ट्रेलिया से बहुत ही तेज गेंदबाज आ चुके हैं जिनका नाम है जोश हेलरवुड। मेरा मतलब है जोश हेलरवुड जो बहुत ही तेज बॉलिंग करते हैं। उनकी बॉलिंग के आगे विराट कोहली छक्के पे छक्का मारता है, वो तो आप सभी को पता है। लेकिन बहुत ही खतरनाक बॉलिंग है उसकी। तो देखते हैं कितनी खतरनाक बॉलिंग करता है वो। अभी देख सकते हैं गेंद ऐसे ऐसे करके हिला रहा है, लगता है बुनमरा के आ रहा है। देखते हैं फिर क्या होता है। और ये शानदार सिक्स। और ये शानदार शॉट 6 रनों के लिए। ये उसका समा को देखते हुए कुछ चुच्ची दे रहे लगता है विराट कोहली। बैटिंग करने आ चुके हैं देश की शान और सारा भाभी की जान मिस्टर गिल। आई लव यू सारा तेंदुलकर, आई लव यू माय क्यूटी भाई, आज तो मैं छक्का पर छक्का मारूंगा। और ये एक और शानदार सिक्सर।
तो इस ओवर में इंडिया के गिल ने बहुत अच्छा खेला और ऑस्ट्रेलिया को बहुत ज्यादा पिला। और ये शानदार सिक्स, व्हाट अ शॉट। ट्रॉफी जीतने का इंडिया का लग रहा है इरादा बहुत ही पक्का, इसलिए तो डॉट क्ली मार रहा है अरविंद पे छक्का। और इंडिया ये बहुत ही जबरदस्त खेलते हुए बहुत ही शानदार शॉट मारते हुए विराट कोहली उसका शर्मा को देखकर छह पे छह मारा मार लगे हुए हैं। बहुत ही गजब शॉट मार रहे विराट कोहली, लगता है इंडिया जीत जाएगी। अब ये छह रनों की कमताई हो रही है और इंडिया जीत जाएगी, तो आगे मैच देखते हैं। और ये एक और शॉट छह रनों के लिए बहुत ही शानदार। पता नहीं कौन से पिल्लू झाटू बोल रहे हैं। अब ये मोहम्मद शमी खेल रहे हैं, लगता है बहुत ही पेलेंगे, लेकिन बल्लेबाजी नहीं है, बॉलर हैं, तो देखते हैं ये क्या कर सकते हैं। जो भी मोहम्मद शमी को आउट करना चाहता है, तो देखते हैं क्या होता है। और ये बहुत ही शानदार चौका मारते हुए मोहम्मद शमी ने मैच जीत लिया है। लगता है अब तो मोहम्मद शमी की बीवी दोबारा आ जाएगी। ये क्या इंडिया के क्या बना चुके हैं, कैसे बना रहे हैं। तो आइए फिर इंडिया को ट्रॉफी की बारी है, इंडिया को ट्रॉफी देते हुए तो इंडिया को ट्रॉफी देते हैं। आइए फिर और इंडिया वाले रोहित शर्मा बहुत ही काम करिए। अरे माँ के तो आप लोग देख सकते हैं कितनी सत्ता इनके ऊपर। तो अभी एक बार ट्रॉफी की नजर ऊपर नील बढ़ाते हुए ये हमारे रोहित शर्मा को ट्रॉफी दी जाएगी। रोहित शर्मा ये लीजिए आपकी ट्रॉफी। उठाओ उठाओ उठाओ, अरे यार तुम जीत गए यार, जशन हो। ओहो इंडिया जीती, इंडिया जीती, इंडिया जीती, इंडिया जीती। अरे का चिल्ला रहे हो, तो रहे हो काट रही हो। अरे भैया इंडिया जीती, बाहर जीती ना सारे। देखा भैया इंडिया के बारे में कुछ ना बोलियो, अनुष्का भाभी सारा भाभी और विराट कोहली की होत भाई इंडिया को हार ही ना सके थी। अरे यार तो ऐसे ना मने जाओ देख पहला तो पहले तो सभी को राम राम। और वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि हम जानना चाहते हैं आपकी राय। और वीडियो में अगर कोई गलती हुई हो तो उसके लिए माफी चाहते हैं, जानबूझ के कोई गलती की नहीं है, फिर भी अगर कोई गलती है तो उसके लिए माफी चाहते हैं। और वीडियो को दबाकर शेयर करें। इंडिया के हारने का दुख तो हमें भी है, लेकिन दिल में उस बात को रख नहीं सकते, बात को तो भुलाना ही पड़ेगा। तो इसलिए हमने ये वीडियो बनाई है कि आप लोग भी इन्जॉय करें और बीती बातों को भूल जाएँ और महादेव का नाम लेकर आगे बढ़ें। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। ज़्यादा से ज़्यादा प्यार मोहब्बत दिखाएं, 50-60 के पार कर दें वीडियो को।